योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में, उनके कंप्रेशरों के बारे में। 170 लीटर से लेकर 190 लीटर तक के रेफ्रिजरेटर में आप कौन से कंप्रेशर नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको LG के कुछ कंप्रेशर मॉडल नंबर बताने जा रहा हूं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें पहला नंबर है MA42LJJG और दूसरा नंबर है MA42LMJG। ये दो कंप्रेशर हैं, आप इनको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में जो 170 लीटर से लेकर 190 लीटर तक की कैपेसिटी के हों उनमें आप बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दो नंबर और मैं आपको जा रहा हूं LG के ही हैं, वो भी MA42LFJG और MA42LHJG। ये दो कंप्रेशर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 170 लीटर से लेकर 190 लीटर तक के डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में। ये सभी समान डाटा के कंप्रेशर हैं। बात रही इनकी कैपिलरी की, बात रही ऑयल चार्ज की, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे साथ साथ बताने जा रहा हूं। ये जो चार कंप्रेशर दोस्तों, ये सभी LG कंपनी के हैं। जो LAJG है, LJJG, उसका जो BTU है वो 365 है, हॉर्स पावर 0.144 और वाट 96, लगभग ये समान कैपेसिटी के ही चारों कंप्रेशर हैं। बात रही कैपलरी की, जो एक मेन डाटा है, इसमें हम गोदरेज की एक कैपलरी आती है जो पैकिंग में आती है। आप उस कैपलरी को बेहिचक 170 लीटर से लेकर 190 लीटर तक के रेफ्रिजरेटरों में किसी भी कंप्रेशर के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। वैसे कैपलरी का कई नंबर्स हम इसमें इस्तेमाल करते आते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। 0.028 भी हम 9 फीट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.028 भी आप 10 फीट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रेफ्रिजरेटर 100 लीटर से नीचे होते हैं, यानी 150 लीटर से नीचे होते हैं, उनमें हम 26 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको कैपलरी के मामले में कंफ्यूज नहीं होना है। आप बाज़ार से गोदरेज की कैपलरी आती है जो पैकिंग में होती है, आप उसको बेहिचक 170 लीटर से लेकर 190 लीटर तक के रेफ्रिजरेटर में आसानी से लगा सकते हैं। इन कंप्रेसरों के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही OLP और रिले की, मैं बात करूंगा LJJG की। M42, इसमें आप RSIR PTC रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नंबर है Q P233MC1 और OLP है DRB19T61। और ऑयल चार्ज हम इसमें कर सकते हैं, जो कंप्रेशर चारों हैं उनमें हम 220 cc या फिर 200 मिलीग्राम या फिर 200 ग्राम आप मिलीलीटर या फिर 200 ग्राम आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। OLP के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। OLP आप इसमें DRB19T61 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रिले है वो रेशन स्टार्ट इंडक्शन रन है, इसमें रनिंग व स्टार्टिंग कैपेसिटर का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। और दोस्तों, आप इन कंप्रेशरों को 70 या 80 लीटर वाले डिफ्यूजर में भी लगा सकते हैं। और इनके अंदर जो ऑयल आएगा वो आएगा दोस्तों POE ऑयल, उसका आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको ऑयल बदलने की कभी ज़रूरत पड़ती है। और 220 cc या 220 ग्राम या 200 मिलीलीटर, ये सब एक ही कैपेसिटी होती है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो चला, लाइक और शेयर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।